पर घंटा घर में जहां पे हम बैठे हैं बिल्कुल बगल में है, कोई मिलने नहीं गया आपका प्रतिनिधि, कोई उनसे कोई चर्चा किसी नहीं कर ने रहा है, सरकार ने उनको आमंत्रण नहीं दिया है कि आप धरने में बैठे क्यों नहीं पढ़ते हर हैं? चीज को अगर मैं आपके सामने उजागर करूंगा तो फिर पोस्टर लगेंगे कैसे? आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं और जहां हम बैठे हुए हैं लखनऊ के इस इलाके में पोस्टर ही पोस्टर लगे हुए हैं और ज्यादातर पोस्टर कुछ चेहरों की तस्वीरों के हैं, बजाय इसके कि कोरोना से कैसे बचें। कोरोना के पोस्टर हैं पर उनके पोस्टर कम हैं जो कथित इन पोस्टर में लगे भी उन चेहरों को देखो तो, जो किसी एनजीओ के नाम पर, जो किसी अन्य ऐसे संगठन के नाम पर, जो अगर उस संगठन के बारे में अगर आप सामान्य रूप से केवल पढ़ेंगे देखेंगे तो लगेगा कि वास्तव में मानवता के कितने बड़े ये हितेशी हैं, लेकिन जब इनकी वास्तविक कारगुजारी को आप देखेंगे तो ये मानवता के कितने बड़े दुश्मन हैं ये भी सामने आएगा। पर लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि ये इल्जाम आप पे लग रहा है, आपके राजनीतिक विरोधी लगा रहे हैं कि दरअसल आप ये बदले की मंशा से कर रहे हैं? हमने कोई बदले की मंशा से नहीं किया है और ये फिर पोस्टर लगा करके कोई नया काम तो हमने नहीं किया है। नया है तो सारी चीजें आपने अपने टीवी फुटेज में दिखाए हैं, ये वही चेहरे हैं जिनको आग लगाते हुए आप दिखा रहे हैं, इनके वीडियो फुटेज मालूम है, इनके नाम आए हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई ऑलरेडी चल रही है। अभी ये कोई नयापन नहीं है कि हम इनको छुपा करके जो घोषित रूप से इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं, आप उसको ये नहीं कह सकते हैं कि वह हम उसकी छवि को धूमिल कर रहे हैं या उनकी निजता पर हम प्रहार कर रहे हैं। उनकी तो जान को खतरा नहीं हो सकता? सब कुछ तो उनका मौजूद है, उनकी जान को खतरा नहीं हो सकता? उनकी तस्वीरें, कोई जान उनके को, घर ये का पता, समाज की जान के लिए खतरे बने हुए हैं, उनके परिवार की जान समाज को खतरा, इनसे खतरा है, उनके परिवार की जान को खतरा, किसी की जान इनसे समाज को खतरा है, इनको किसी से खतरा नहीं। आपने घर के एड्रेसेस लिखे हैं, उस घर में तो और लोग भी रहते होंगे ना। मैं क्या कह रहा हूं ना, अगर कोई समाज के लिए खतरा है तो समाज को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कितना खतरनाक व्यक्ति उनकी सोसाइटी में उनके आसपास से है, और तो जानकारी इसलिए होना आवश्यक है जिससे समाज के अन्य लोग समय रहते हुए इस प्रकार के वायरस से अपने को बचा सके। क्या आप ये कह रहे हैं कि दारापुरी साहब खुद गए थे जलाने के लिए, जिनकी तस्वीर आपने लगा रखी है, जो पूर्व अधिकारी है? मैं क्या कर रहा हूं, ये जितने लोग हैं इनके खिलाफ सबके खिलाफ प्रमाण है, और कोई भी हो अगर वह कानून को हाथ में लेगा तो सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रह सकती कि अंततः 23 करोड़ जनता की सुरक्षा का दायित्व तो हमारे ऊपर है, हम 23 करोड़ जनता की सुरक्षा के साथ किसी व्यक्ति को वह कोई भी हो हम उसको इजाजत कतई नहीं देंगे। आपको कोई बात कहनी है लोकतांत्रिक तरीके से आप अपनी बात को रख सकते हैं, इसके लिए धरना प्रदर्शन का सहारा ले सकते हैं, लेकिन आप धरना प्रदर्शन असीमित समय तक नहीं कर सकते किसी एक स्थान पर। आपको अपना मेमोरेंडम दीजिए, आपके द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि विधानसभा में संसद में है, वे वहां पर इस बात को उठा सकते हैं, वहां पर चर्चा करें, वहां पर बहस करें, ठीक बात है, ये चीजें चलती हैं, ये लोकतांत्रिक तरीका है, लेकिन आप कानून को बंधक बनाने का प्रयास करेंगे, आम जनजीवन की व्यवस्था को ठप करने का प्रयास करेंगे, आम नागरिक की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेंगे, व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर आग लगाएंगे और उसके बाद फिर जबरन दंगा भड़काने का कार्य करेंगे, तो हम उत्तर प्रदेश में ये इजाजत किसी को नहीं देंगे और हम इस बात को फिर कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में कानून का राज होगा और कानून के इस राज के अनुसार ही यहां की व्यवस्था संचालित होगी, कानून को बंधक बनाने की छूट किसी को नहीं। पर कोई भी व्यक्ति जब धरना करता है, प्रोटेस्ट करता है, तो वो अपनी आवाज सरकार तक, हुकूमत तक पहुंचाना चाहता है, पर घंटा घर में जहां पे हम बैठे हैं बिल्कुल बगल में है, कोई मिलने नहीं गया आपका प्रतिनिधि, कोई उनसे चर्चा नहीं कर रहा है? सरकार ने उनको आमंत्रण नहीं दिया है कि आप धरने में बैठिए, आपको अपनी बात कहने के खिलाफ तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना? नहीं, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो फिर आप करते रहिए, कौन आपको रोक रहा है? आप पूछेंगे नहीं क्योंकि कौन रहा, कोई आवश्यकता नहीं है बात करने की, कोई आवश्यकता नहीं है, आप उनसे पूछेंगे नहीं? कोई बात किसी प्रकार वहां बैठे किसी प्रकार वो बताएं तो उद्देश्य तो बताएं, हमारा प्रशासन है, आपको कोई समस्या है आप प्रशासन के पास जाइए, आप जिलाधिकारी के पास जाइए, आप पुलिस कमिश्नर के पास जाइए, अपना मेमोरेंडम दीजिए, वहां देखिए रास्ता उसको दिखाया जा सकता है जो वास्तव में, अगर कोई अंधा है आप उसको रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन जो अंधा बनने का ढोंग कर रहा हो उसको रास्ता आप नहीं दिखा सकते हैं। आजादी, किस बात की आजादी चाहिए आपको,
किस आजादी की बात कर रहे हैं सर? आजादी किस प्रकार के नारे आप लगा रहे हैं? आप सरकार किस तो प्रकार सुन रही है। किस प्रकार की आप बातें कर रहे हैं? इस प्रकार की इजाजत नहीं दी जा सकती। चल रहे हैं क्या इन तीनों मुल्कों से अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति आके ये कहता है कि मुझे भारत की नागरिकता चाहिए, मैं अपने देश में परेशान किया गया हूं, अल्पसंख्यक जो भी तो नहीं देंगे उसको? अल्पसंख्यक हैं, अगर मुसलमान को नागरिकता चाहिए तो 1947 में देश का विभाजन ही क्यों किया है? फिर ये बोलो ना, पाकिस्तान को भी भारत के अंदर समाहित कर लो, उसके बाद सब लोग आए ना, फिर उसमें बुराई क्या है? लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा, आपने लॉ एंड ऑर्डर को मूल बताया जिस वजह से तमाम चीजें अच्छी हुई, जो हाल ही में दंगे हुए आपको लगता है कि सबसे बड़ा दाग हो गया है आपके इन तीन सालों में लखनऊ में जो हुआ 19-20 तारीख को? हमारे यहाँ कोई दंगा नहीं हुआ, आगजनी की घटनाएं घटित हुई थी। दंगा तब होता है जब दो समुदाय लड़ते हैं। हमारे यहाँ कोई दंगा नहीं हुआ है, पिछले 3 वर्षों में एक भी दंगा नहीं हुआ है। 20-22 लोगों की जान गई है। मैं क्या करूँ ना जी, वे दंगाई थे, उपद्रवी थे, दंगा करने की मंशा से आए थे, अवैध असलों से लैस थे, अपनी गोली से स्वयं मरे हैं। एक नया हम ऑर्डिनेंस लेकर के आए हैं, पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को डैमेज से संबंधित हमारा ऑर्डिनेंस है, वही वसूली कानून, वसूली का कानून भी उसके साथ ही हम बनाने, उसी के साथ वसूली का कानून भी जुड़ा हुआ है। इसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी का भी हमने पूरी डेफिनेशन उसकी दी है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब ये केवल किसी की निजी प्रॉपर्टी नहीं, अगर वो धर्मार्थ प्रॉपर्टी है तो भी, किसी ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है तो भी, वक्फ की प्रॉपर्टी है तो भी, अगर कोई जलाएगा तो भाई उसकी भरपाई तो उसको करना पड़ेगा। पर आपके राजनीतिक विरोधी अखिलेश यादव जी कहते हैं कि आप अगला चुनाव हार रहे हैं, समाजवादी पार्टी 22 तो में लौट रही है। सपना देखना तो सबका काम है, सपना कौन देख रहा है? वही कैसे हम समझे, सपना देखने में कौन बुराई है? बस देखें, सपना अच्छी बात है, ये तय है। लोकसभा चुनाव में उन्होंने प्रयोग करके देख लिए हैं, 3 दिन में उनके समय में दंगा होता था और हमारी सरकार 3 वर्ष में एक दंगा ही नहीं, दंगा ही सब गायब, और जो बचे खुचे हैं उनके पोस्टर लगा करके उनको भी ठीक कर दिया जा रहा है। ये है तरीका। 351 सीटें बोली उन्होंने, मैं क्या कहूं, समाजवादी पार्टी का नारा दिया उन्होंने। लोकसभा चुनाव में भी वो इसी बात को कहते थे ना, लोकसभा चुनाव में भी यही तो कहते थे कि समाजवादी पार्टी 80 की 80 सीट जीत जाएगी, 5 से 6 पे नहीं आ पाए, और वह भी 5 तब आए जब बहुजन समाजवादी पार्टी का समर्थन मिल गया, अन्यथा पता लगता कि पूरा परिवार ही घर बैठ जाता, बेरोजगार हो जाता। जी कल वो अखिलेश जी बोल रहे थे, मैंने कहीं पढ़ा आज सुबह अखबार में, कि आप पर भी मुकदमे थे, क्या रिट्रोस्पेक्टिव में भी फोटो लगनी चाहिए सब लोगों की? देखिए आपने अपने मुकदमे वापस कर लिए, अब आप राजनीतिक विरोधियों के पोस्टर लगा रहे हैं। ये तो बहुत सारे लोगों के जब खानदानी कुंडली खोली जाएगी ना तो पता लग जाएगा किन किन पे मुकदमे थे। दूसरा, हमने अपने एक भी मुकदमे वापस नहीं लिए, एक, लेकिन बहुत सारे लोगों की कुंडली अगर खोलने लग जाएंगे तो क्यों नहीं खोल रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ ना, आप किस बात से डर रहे हैं? हम तो हजार दिन हो गए, डरते रिकॉर्ड आपके नाम पे हो गया। हम तो लगातार इन लोगों की वास्तविकता समय आने पे जनता के सामने रख देते हैं कि भाई इन चेहरों को एक बार पहचान लो थोड़ा, क्योंकि हम पोस्टर की बात कर रहे हैं, एक पोस्टर लगाया था कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। मैं क्या कह रहा हूँ, जिसने भी लगाया होगा उसका भुगतान भुगतेगा। उसमें आप लोगों की तस्वीरें थी। मैं क्या कह रहा हूँ ना भाई, अगर किसी ने लगाया है उसके अनुसार अपने उसके लिए भी तैयारी करें। पर बेरोजगारी तो खत्म नहीं हो रही है, उल्टा बेरोजगारी सबसे अधिक स्तर पर चली गई है। देखिए बेरोजगारी अगर उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखेंगे, हम लोग पिछले 3 वर्षों के दौरान 3 लाख से अधिक लोगों को, नौजवानों को, प्रदेश के नौजवानों को सरकारी नौकरी दिए हैं। 1,37,000 तो हमने पुलिस की भर्तियां ही पूरी की हैं जो संपन्न हो चुकी हैं, और पहली बार है 15 वर्षों में जब प्रदेश के अंदर नौकरी बिना किसी दाग के, बिना किसी हस्तक्षेप के संपन्न हुई है, और प्रदेश में मेरिट के आधार पर, योग्यता के आधार पर प्रदेश के युवाओं को ये नौकरी मिली। क्या इसीलिए शाहीनबाग नहीं जा रहे हैं, शाहीनबाग जैसे धरनों में नहीं जा रहे हैं? देखिए आपको लगता है कि वो तुष्टीकरण हो जाएगा? तुष्टीकरण, सवाल तुष्टीकरण का नहीं, आखिर किसी चीज की एक सीमा हो सकती है, संवाद का एक तरीका होता है, अपनी बात को कहने का एक तरीका होता है, ये जबरदस्ती आप नहीं कर सकते, कानून को बंधक नहीं बना सकते। ये राजनीतिक देश की सुरक्षा
ये विशुद्ध रूप से पॉलिटिकल स्टैंड है और पॉलिटिकल स्टैंड किसी भी कौन मदद कर रहे हैं, पीछे बहुत सारे लोग हैं। कांग्रेस के पास तो सरकार है, इंटेलिजेंस है, पुलिस है, हर चीज तो पीछे के लोगों के पीछे क्यों नहीं पड़ते। हर चीज को अगर मैं आपके सामने उजागर करूंगा तो फिर पोस्टर लगेंगे कैसे। कुछ आपके इस लंबे से जवाब में एक लाइन मुझे समझ में आई कि हम खूंटे से बंधे हुए नहीं है, तो जब दिल्ली बुलाया जाएगा दिल्ली आ जाएंगे। मैंने क्या कहा ना, पार्टी पार्टी ने मुझे भेजा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ भेजा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मेरी मैं देखिए, मैं राजनीति का जीव नहीं हूँ। अच्छा, अगर मैं शुद्ध राजनीतिक होता तो संभवतः इतना बेखौफ और इतनी मजबूती के साथ अपनी बात को नहीं कहता। मैं राजनीति में विशुद्ध पॉलिटिशियन नहीं हूं और मैं पॉलिटिकल तरीके से अपना काम भी नहीं करता हूं। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में विशुद्ध रूप से अपने कार्यों को आगे बढ़ाता हूं और जो दायित्व दिया जाता है उसको परिणाम तक पहुंचाने की चिंता को लेकर के कार्य करता हूं।